37 क्या? सब पीयूष नेट से और बॉय मिस्टर पीयूष 37 बैक एट अगेन विद अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस आज का वीडियो जो है वो स्किन केयर के ऊपर होने वाला है, कॉज मेरे फ्रेंड्स एंड बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ रहे थे स्किन केयर के लिए मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, तो आज की वीडियो उन लोग के लिए होने वाली है। तो गाइस कल की जो वीडियो है वो क्लीन शो के ऊपर थी। एक्चुअली कल वाली वीडियो में जो रिजल्ट्स वाली क्लिप थी वो गलती से डिलीट हो गई, इसके लिए वो वहाँ पे डाल नहीं पाया एंड वीडियो को ही एंड करना पड़ा। सो आप रिजल्ट्स आज देख सकते हो, गाइस आप रिजल्ट्स देख सकते हो एंड ये जो स्किन पे ग्लो है ये ओरिजिनल है, इस पर भी कल वीडियो लाने वाला हूँ। सो गाइस आज तारीख है 23 में, अभी टाइम हुआ है 3:30 बज रहे हैं एंड दोपहर में शूट कर रहा हूँ। बहुत गर्मी एंड स्वेटिंग की वजह से बार बार वीडियो पॉज करके शूट करना पड़ रहा है, कॉज बहुत पसीना आ रहा है एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज पिंपल्स, एक्ने, ब्लैक मार्क्स एंड ब्लैक हेड्स, ये सभी चीज़ें बहुत अलग अलग है एंड इन सभी चीज़ों पे मैं वीडियोज डालने वाला हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड गाइज मैं आपको प्रोफेशनल टिप्स तो नहीं देने वाला, लेकिन जो भी टिप्स देने वाला हूँ वो मैं खुद यूज़ करता हूँ एंड आप सबको भी बताने वाला हूँ। ऑलमोस्ट हर बंदा इस दौर से गुजरता है, मतलब ये प्रॉब्लम सबके लिए कॉमन है एंड टीनेज में ये प्रॉब्लम सबको होती है एंड हमें इससे अपना कॉन्फिडेंस कम होने देना नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज है। सो इसमें ऐसा टेंशन लेने वाला कुछ है ही नहीं। सो मैं आपको आज कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, मतलब 6-7 टिप्स है। सो चलिए देखते हैं। हमारे स्किन से एक्सेस ऑफ ऑयल जो कि सीबम के नाम से जाना जाता है वो जब निकलता है तो वो डेड स्किन सेल से मिक्स होता है एंड पोर्स होता है वहां पे उपलब्ध होके वहाँ पे स्वेलिंग होते है, इसे ही पिंपल कहा जाता है। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो बहुत पसीना आ रहा है। मोस्ट ऑफ इंडियंस की स्किन ऑयली होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टिप जो है आपको अपने पिंपल्स को ऐसे बार बार टच करने का नहीं है एंड से पिप करने का, मतलब उसे फोड़ने का नहीं है, कॉज के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वहां से वहां फैलते हैं एंड आपको अगर पिंपल यहाँ पे होगा और आपने उसे फोड़ा उसका बैक्टीरिया यहाँ पे जाएगा एंड वहां पे भी पिंपल हो जाएगा। गाइस सेकंड टिप है सनस्क्रीन। अगर आप घर से बाहर ज्यादा निकलते हो आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो, आपकी स्किन वीरेज से भी बचती है एंड टैन होने से भी बचती है। दैट्स इट ब्रो। सो गाइस मेरी थर्ड टिप है कि अगर आपकी स्किन ऑयली होगी, अगर आपकी स्किन ड्राई होगी तो आपको दोनों अलग अलग फेस वॉश मिलते हैं। इसकी ड्राई स्किन के लिए अलग फेस वॉश होते हैं एंड ऑयली स्किन के लिए अलग फेस वॉश होते हैं। अगर आप फेस वॉश यूज करना चाहते तो आप दो, मैं तो किसी फेस वॉश को यूज नहीं करता। फोर्थ टिप जो है आपको आपके फ्रिज में से एक आइस क्यूब निकालना होगा एंड उस आइस क्यूब को एक टिश्यू में या फिर एक कपड़े में लेके ऐसे फेस पे अप्लाई करना होगा जहाँ पे भी आपको पिंपल्स आ रहे होंगे। सो गाइस फिफ्थ टिप जो है वो आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या फिर स्किन केयर स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हो अगर आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो तो। सिक्स टिप जो है वो है आपको महीने में या फिर हफ्ते में एक बार फेस मास्क यूज करना है, जैसे कि चारकोल पील ऑफ मास्क या फिर दूसरे भी कौन से मास्क यूज कर सकते हो जिससे आपकी स्किन क्लीन एंड प्योर हो जाएगी। इसका बार बार यूज नहीं करने का, सिर्फ वंस अ वीक और वंस अ मंथ एंड आप मेरी स्किन देख सकते हो कहीं पे भी पिंपल नहीं मिलेगा, रेयरली एक आधा पिंपल आता है एंड वो तो सबको ही आता है। एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जो आप घर बैठे यूज कर सकते हो, उस ट्रिक के ऊपर मैं कल या परसों वीडियो डालूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जो है जो मैंने बहुत से मेरे दोस्त लोगों से सुनी है, अगर आपको पिंपल होगा तो आप वहाँ पे कोलगेट लगा सकते हो। ऐसा कुछ भी मत करो एंड आपकी स्किन है कोई एक्सपेरिमेंट की लेबोरेटरी नहीं, सो स्किन पे एक्सपेरिमेंट करने का नहीं। एंड मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगा कि कौन से भी फेस वॉश या फिर कोई भी मास्क ज्यादा मत यूज करो, कॉज मैं भी यूज नहीं करता। मैं तो कौन सा भी फेस वॉश यूज नहीं करता कॉज मुझे उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं एंड फेस वॉश यूज करने के बाद मुझे पिंपल्स आते हैं। सो मैं फेस वॉश यूज नहीं करता, सिर्फ साबुन से फेस वॉश कर लेता हूँ। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि साबुन से ही फेस वॉश करने का, ज्यादा फेस वॉश यूज करने का नहीं, उससे ही आपको तकलीफ होगी। एंड गाइस लास्ट टिप जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके उतना आप पानी पीते रहो, कॉज बॉडी हाइड्रेट होगी तो पिंपल्स का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। सो ये टिप्स आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना एंड मेरी चैलेंज है कम से कम एक दिन में, मैक्सिमम एक वीक में आपके पिंपल्स खत्म हो जाएंगे। दैट्स इट ब्रो। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फैमिली के साथ शेयर करना, सो दैट सब लोग को हेल्प हो जाएगी एंड ऐसे ही प्यार करते रहो। If you guys did enjoy this video, make sure you subscribe my YouTube channel.